गुड मॉर्निंग, मैं हूँ भावना शर्मा, जो आपको बताने वाली हूँ आज के दिन में आपकी किस्मत का हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं 12 राशियों के साथ, शुरुआत करते हैं कार्ड्स के साथ, देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं आज के दिन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों के बारे में। एरीज के लिए आज कार्ड निकल रहा है द वर्ल्ड। आप लोगों के लिए आज का दिन कंप्लीट रहने वाला है, कंप्लीशन होने वाला है, रुके हुए काम पूरे होंगे। इसी के साथ साथ रिलेशनशिप वाइज आज बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। उपाय आप क्या करेंगे कि आज व्हाइट कलर के फ्लावर्स जो हैं अपने घर के ईस्ट की डायरेक्शन में आपको लगाने हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जानते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि वालों के लिए आज कार्य कर रहा है द जजमेंट। आज के दिन में अगर आप लोगों को जज करके रखेंगे, यानी कि आज आपको सही और गलत में फ़र्क महसूस करना होगा। अगर आज आप पक्षपात करेंगे, लोगों के साथ पार्शियलिटी करेंगे, तो हो सकता है आपके लिए भी चीज़ें उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहें। आज के दिन में आप कर क्या सकते हैं, आज शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए शाम के समय बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं जेमिनाइज के लिए। जेमिनाइज के लिए कार्य निकल रहा है पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज आज थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आज प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा मेंटेन करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। उपाय आपको ये करना है, आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे आप। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जानते हैं कैंसेरियंस के लिए आज क्या कहते हैं कार्ड्स। आपके लिए कार्ड निकल रहा है थ्री ऑफ कप्स। आज फैमिली की सपोर्ट भी मिलेगी, साथ ही साथ में वर्क प्लेस में भी आज काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है। उपाय आप क्या कर सकते हैं आज के दिन में, आज लक्ष्मी चालीसा का पाठ आप करेंगे और सुबह 12 बजे से पहले अगर आप करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जानते हैं लियो उसके लिए आज कार्ड क्या कह रहे हैं। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आज हो सकता है फेमिनिन जो एनर्जीज हैं उनको आज आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और खासतौर पे वो आपके लिए क्लक फैक्टर का काम भी कर सकती हैं। आज कोशिश कीजिए आपके घर में जितनी भी फीमेल्स हैं, जितनी भी चाहे आपकी मदर हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, उनको आप ज़्यादा रिस्पेक्ट दें। आज कोई गिफ्ट भी उनको दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी के साथ साथ आज आप घर में किसी भी तरह का कोई भी वाइट कलर का कोई भी मिष्ठान बना करके भगवान विष्णु को आपको भोग लगाना है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जानते हैं वर्गोस के लिए आज कार्ड क्या कह रहे हैं। आपके लिए कार्ड निकल रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स। आज हो सकता है चीज़ें एक हॉल्ट पीरियड में आ जाए, चीज़ों में डिलेज हो सकते हैं, लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। काम को कल के ऊपर बिल्कुल भी मत छोड़िए। उपाय आपको ये करना है, आज किसी भी बाहर से अगर मान लीजिए आप कुछ लेकर आ रहे हैं, बाहर से कुछ खा पी रहे हैं, तो उसको आपको अवॉइड करना है। बात करते हैं लिब्रंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और आप लोगों के लिए कार निकल रहा है टू ऑफ सोर्ड्स। ये कार आपसे ये कह रहा है आज थोड़ी सी चीज़ें कन्फ्यूजन में रहेंगी। आज रिलेशनशिप वाइज भी आप कहीं ना कहीं पर चीज़ों को अप डाउन करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ साथ उपाय आप क्या कर सकते हैं, आज सुबह जैसे भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपनी माता पिता के चरण स्पर्श करके निकलिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जानते हैं स्कॉर्पियो के लिए आज कार्ड क्या कह रहे हैं। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आज बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपके अंदर हैं, आज एक चार्म आपके अंदर है, जिससे कि आज आप कोई भी काम को करने जाते हैं, किसी भी तरह की कोई भी आज प्रोजेक्ट है या आपके ऑफिस में नए काम की शुरुआत हो रही है, उसमें आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ नए रिलेशनशिप की आज के दिन में शुरुआत हो सकती है। बात करते हैं उपाय की, तो आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जानते हैं आज का दिन सैजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है द व्हील ऑफ फॉर्चून। आज किसी भी काम में आप डिले नहीं करेंगे और ख़ास तौर पर अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी आज के दिन में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। आपका फोकस जो है, कोशिश कीजिए अपने एम पर ही होना चाहिए। आज उपाय आप क्या कर सकते हैं, आज सरस्वती मंत्र का पाठ करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी के साथ बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए जो कार्ड निकल रहा है वो है फाइव ऑफ वॉन्स। थोड़े से फाइनेंसिस को लेकर परेशान रहेंगे और साथ ही साथ में आज खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है, तो कोशिश कीजिए आज कहीं इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें। इसी के साथ उपाय आप ये कर सकते हैं, शाम को हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू का आपको भोग लगाना है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जानते हैं एक्वेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ये कार्ड आपसे ये कह रहा है कि आज हो सकता है हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे, आज कामकाज में भी थोड़े से डिलेज होने वाले हैं, लेकिन कोशिश कीजिए बाहर का खाना या बाहर जाना भी, आज ट्रैवलिंग भी आपको अवॉइड करनी है और बाहर का कुछ खाना भी आपको अवॉइड करना है। इसी के साथ साथ उपाय आप ये कर सकते हैं, आप भगवान शिव को रेड और येलो कलर के फ्लावर्स को एक कॉम्बिनेशन बना करके आपको उनको अर्पित करना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, पाइसेंस के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए कार्ड निकल रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। आज के दिन में हो सकता है अपॉर्चुनिटीज़ आपको कई सारी मिलने वाली है, लेकिन किस तरह से आप उन्हें डील करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अपनी सोच की वजह से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को गवा नहीं दें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ रिलेशनशिप वाइज आज दिन बहुत ही अच्छा है,
स्पाउस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाली है। उपाय आप क्या कर सकते हैं, आज के दिन में किसी भी लक्ष्मी मंत्र, खासतौर पर बीज मंत्र का जाप आप करेंगे सुबह के समय तो बहुत ही अच्छा रहेगा। लक्ष्मी जी का बीज मंत्र होता है श्रीम, इस मंत्र का जाप आपको करना है। इसी के साथ ये तो हुई 12 राशियों की बात, साथ ही में मैंने आपको बताया कुछ ऐसे उपाय जो छोटे छोटे उपाय करके आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का। नमस्कार।